Today we are going to talk about PAL and NTSC. What is that? Let's get started to know about that. हो गया मेरा तो चलिए. What's up guys? This is Vivek and you're watching my YouTube channel Cinema and Photo Like a Pro. तो आप सब कैसे हैं यार? अब थोड़ा देरी हो रहा था शेड्यूल, कुछ प्लान बना रहे थे. Let me show you. कुछ इस तरह का कुछ प्लान है, नहीं दिखाना चाहिए ना, मज़ा नहीं आएगा आप लोगों को. प्लान बन रहा था उसी के लिए थोड़ा देरी हो रहा था आजकल. तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज पाल और एनटीएससी. तो सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे कि पाल और एनटीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है. तो पाल का फुल फॉर्म होता है फेज अल्टरनेटिंग लाइन, और एनटीएससी नेशनल टेलीविजन स्टैंडर्ड कमेटी. फुल फॉर्म तो जान लिए, तो चलिए जानते हैं कौन कौन से एरिया में, मतलब कौन कौन सा रीजन में ये यूज होता है. तो पाल हम लोग जनरली इंडिया और यूरोप में यूज करते हैं, और एनटीएससी यूएसए में यूज होता है. क्यों यूज होता है? क्योंकि जो इंडिया में लाइट, जो हम लोग का बल्ब जलता है, लाइटिंग होता है, वो 50 हर्ट्ज का होता है, और जो यूएसए में रहता है वो 60 हर्ट्ज का. तो उसी को मैच करने के लिए ये पाल फॉर्मेट होता है और ये एनटीएससी फॉर्मेट होता है. तो पाल फॉर्मेट 50 हर्ट्ज का लाइटिंग के लिए सिंक होने के लिए बनाया गया है, कैमरा को सिंक करने के लिए, और एनटीएससी 60 हर्ट्ज का लाइटिंग में कैमरा को सिंक करने के लिए बनाया गया है. और अगर हम लोग पाल और एनटीएससी को फॉलो नहीं करते हैं तो बहुत रुइन कर सकता है आपका वीडियो को कभी कभी, क्योंकि मैं भी खुद कुछ वीडियो बनाया था, कुछ तो सब वीडियो सब खराब हो गया था. यही पाल और एनटीएससी के बारे में मैं नहीं जानता था. अभी थोड़ा दिन हो गया, 2-3-4 दिन भी हो रहा होगा, मैं कुछ नहीं जानता था इसके बारे में. मैं भी अब जान रहा हूँ, आप भी जानिए, बहुत अच्छा होगा. क्योंकि हम लोग कभी कभी छोटी छोटी गलती कर देते हैं और हम लोग का वीडियो पूरा खराब हो जाता है, और हमको पता भी नहीं चलता है कि कैसे खराब हुआ और क्यों ऐसा हो रहा है. मुझे भी पता नहीं था, लेकिन बाद में मैंने थोड़ा रिसर्च किया इसके ऊपर में क्या होता है पाल एनटीएससी, क्या होता है इसे जाना. तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे अगर पाल और एनटीएससी कैसा लाइटिंग में काम करते हैं. क्योंकि हम लोग इंडिया, मैं तो इंडिया में रहता हूँ, तो 50 हर्ट्ज़ का लाइटिंग होता है ना. तो हम लोग देखेंगे कि अगर एनटीएससी में करते हैं तो कैसा फ्लिकर करने स्टार्ट करता है, और पाल में रहेगा तो कितना नॉर्मली. और जो अभी मैं बात कर रहा हूँ आपसे, अगर इसी को मैं अगर एनटीएससी में भी कर देता हूँ तो आपको जो मूवमेंट दिख रहा है, मैं हाथ इधर से इधर ले रहा हूँ, या फिर सिर हिला रहा हूँ, या कुछ कर रहा हूँ ऐसा, ये आपको थोड़ा सा अननेचुरल लगेगा अगर एनटीएससी में कर देते हैं. और वीडियो थोड़ा कावले खिचपिच हो जाता है, पूरा अच्छा नहीं लगता है, देखने के लिए भी अच्छा नहीं लगेगा, आपको भी देखने के लिए अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये 50 हर्ट्ज का लाइटिंग के अंदर बन गया ना, 60 हर्ट्ज का तो नहीं होता है यहाँ पे. तो चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं, आप जानेंगे. को एग्जाम्पल देख के समझ आ गया होगा कि पाल और एनटीएससी का क्या इम्पोर्टेंस है, और आप भी यूज करेंगे, आप समझ चुके होंगे. तो आप सही तरीके से अपने वीडियो को बनाएंगे, कौन सा फॉर्मेट बनाना है तो आप समझ चुके होंगे, और कैमरा को सिंक करने आप जान चुके होंगे. तो हाउएवर आप इसको तोड़ भी सकते हैं कभी कभार, मतलब इस रूल को तोड़ भी सकते हैं, आप एनटीएससी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन लाइटिंग नहीं रहना चाहिए, नेचुरल लाइट रहना चाहिए. और आप स्लोमो के लिए जिस स्लो मोशन वीडियो से बनाते हैं तो उस समय आप एनटीएससी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये मोस्ट रिकमेंडेड नहीं है मेरे तरफ से. हाउएवर यूज कर सकते हैं. तो जाने से पहले लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन को दबाना मत भूलें. तब तक के लिए live your dream, create your dream. Mm-hmm.